आज का दोहा है, माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि लोग पूजा पाठ का आजकल बहुत दिखावा करते हैं। माटी यानी मिट्टी का एक सांप बनाकर उसकी पूजा तो ज़रूर कर लेंगे घर में, पर वही नाग जब जीवित घर में निकलता है तो या तो लाठी उसको मार मार के दर्द पहुंचा के उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, या उसको लाठी से मार मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि अगर आप दिखावे वाली पूजा करते हैं तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि पूजा मन की श्रद्धा से होती है, और अगर आप मन से पूजा करेंगे दिखावे से नहीं तो आप भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट पीपल नाउडेज बूस्ट ऑफ द वे दे वर्शिप देयर लॉर्ड्स। अ पर्सन विल मेक अ स्नेक फ्रॉम द सॉइल, बट इफ दैट स्नेक गेट्स इनसाइड देयर हाउस लाइव, दे विल जस्ट पिक अप अ स्टिक, बीट इट ईदर टू डेथ और वुड beat it to such an extent that it will get hurt and would run off from their home. In short, Kabirdas ji narrates that one should worship Lord from within their heart and not to boost off or show off their skills. With this, I conclude today's doha. Thank you.